واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون असल वी

वक़ुल बिदातिन जलाल वकुलम मौलाना मुहमद मक़ीम फ़ैजी हफेज उल्ला मौलाना अब्दुलमीद मदनी हफेजुल्ला इसी तरह इज्तमा में शरीक दीगर मुआज़ वलमाए क्राम शोब दावत तबलीग के पागलोली व अज़ीज़ नौजवान बुज़ुर्गों अज़ीज़ों इस्लामी माँ और बहनों अभी आप जमात के फाजिल मुमताज मुताज़ आलम मौलाना मोहम्मद मक़ीम फ़ैज़ी हफिजाल्ला से इस्लामी अख़वत भाई और भाईचारा के नहायत अहम और बुनियादी तकाज़े के मौजुअ़ पर आप गुफ्तु सुन रहे थे मुख्तलिफ़ हवालों से भी आपके सामने रोशनी आई है कि इस्लामी अख़ुवत और भाईचारगी को नुकसान पहुँचाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं अपनी सदारती गुफगु और अपने मौजु पर कुछ टूटी फूटी बातें करने से पहले ये तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि जो बातें आपके सामने आई हैं मैंने भी उसका बेशतर हिस्सा सुना है मेरी ये अपील है आपसे मैं अपने आप को भी इसका सबसे ज़्यादा हाजतमंद समझता हूँ कि हम सब इन बुनियादी बातों पर ध्यान दें जो अखुवत और भाईचारा को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनसे अपने आप को बचाएँ उनसे दूर रखें ये बहुत बड़ा फितना है और बहुत बड़ा फसाद है जिससे पूरा समाज छोटे बड़े फैमिलियाँ सोसाइटियाँ बस्तियाँ जमातें सब तहोबाला तो हैं इसलिए इन पर बुनियादी तवज्जो देने की ज़रूरत है मेरे भाइयों हम लोग जितने यहाँ इस मजलिस में शरीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सरबरावरदार लोग हैं पूरे इलाके के अहले इल्म हैं तकरीबन ज़िम्मेदारान हैं जमातों के ऐसे ही बड़ी तादाद में हमारे अज़ीज़ नौजवान हैं दीनी माए बहने हैं आप समझते हैं कि कितना बड़ा फितना है एक दिल दूसरे दिल से टूटे हुए हैं रूठे हुए हैं फसाद फैला हुआ है इख्तलाफ आम है एक दूसरे की तहक़ीर तजलील आम है एक दूसरे के साथ इंसाफ पसंदी का बर्ताव तो दूर की बात है एक दूसरे के साथ रवादारी भी आदमी गवारा नहीं कर रहा है इसलिए इस तरह की बुनियादी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस एतबार से हमें लाना ज़रूरी है कि हम अपने समाज के नुमाइंदे हैं हम अपने समाज के दीनी और समाजी सतह के ज़िम्मेदार लोग हैं और हम क़ियादत करते हैं अपने अपनी बस्तियों में अपने 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 इलाकों की अपने अपने दीनी मतलब एक्टिविटीज़ की इसलिए हमें इन चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत है मैं इस तमीदी और इस बुनियादी याद दहानी और अपील के बाद मुझे आपके सामने जो चंद बातें थोड़ी देर के लिए रखनी हैं मेरे भाइयों उसमें एक बुनियादी बात यह है कि हमारा मनहज और तरीक़ा क्या हो हमारी उसके तई ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए देखिए हमारा मनहज और तरीक़ा वही होना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फ़रमाया है जो सहाब कराम का तरीक़ा था आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बयान फरमाया कि यहदो नसारा यानी अहले किताब के बहत्तर फ़िरके हुए मेरी उम्मत के तिहत्तर फ़िरक़े होंगे आपने फ़रमाया सब जहन्नम में जाएंगे सिवा एक फ़िरक़े और जमात के साहबा ने पूछा यार रसोल्ला सल्ला वसलम वो जमात कौन सी होगी तो आपने फ़रमाया जो जमात मेरे तरीके पर चलेगी मेरे सहबा के तरीके पर जो आज मेरे सहाबा हैं उनके तरीके पर चलेगी वो जमात जन्नत में जाने वाली होगी बहुत सीधा सादा सा बहुत वाज और सरीह मेरे भाइयों इस हदीस के अंदर निशानदेही है और एक तरह से हिदायत और तलकिन है कि मुसलमानों को किस तरीके पर चलना चाहिए ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये भी बताया हो कि मेरे बाद बहुत जल्द मेरी उम्मत में इख्तलाफात फैल जाएंगे, गरोह बंदियां फैल जाएंगी, उस वक्त उम्मत को क्या करना चाहिए आप अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे में फ़रमाया था कि बहुत जल्द तुम देखोगे ढेर सारे बहुत सारे इख्तलाफात तुम देखोगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया कि जब इख्तलाफ देखना तो मेरी सुन्नत अख्तियार करना मेरे भाइयों ये हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जहाँ ये गोई है वहीं हमारे लिए तलकीन और नसीहत भी है और वहीं ये इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़ज़ात में से है और ये नबूवत के दलीलों में से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उस वक्त फरमाई थी जब कोई इख्तलाफ़ नहीं था और आपने फ़रमाया था मेरे बाद बहुत सारे इख्तिला फैलेंगे यहाँ मुसलमानों को इस इस सिलसिले में आगाह हो जाना चाहिए कि नबी अलैहि वसल्लम ने इख्लाफा की गोई की थी इख्तलाफा की आदमी को वकालत नहीं करना चाहिए बल्कि इख्तलाफात से बचने की तालीम और तदवीरें अख्तियार करनी चाहिए ऐसी ही तदवीरें जैसे तदवीरें सलफ़ अख्तियार करते थे सहाबा ताबेन अम्माए कराम मुहद्दिसीन अख्तियार करते थे हमें उसकी मेरे भाई वफिक्रने की ज़रूरत है ऐसा नहीं कि आदमी अख्तलाफा को दुरुस्त करार देने की कोशिश करे ग्ररोह बंदियों को दुरुस्त करार देने की कोशिश करें गुटबंदियों को कायम रहने की और बाकी रहने की तदबीरें करें और गुटबंदियों को कायम और बाकी रखा जाना चाहिए मेरे भाइयों किताब सुन्नत की दलीलों से और नसूस सरिया से मना हैं अल्लाह के नबी वसल्लम की वही हदीस इरबाज इमन सारिया रजील तू कि जिसमें आपने फरमाया था कि बहुत जल्द मेरे बात तुम इख्तलाफ देखोगे फालई कुंभ सारे मुसलमान जो लोग इस हदीस को जानते हैं या इस हदीस के हवाले से ये बात सुन रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तयन और इस तहदीद के बाद वो अपने आप को आज़ाद ना समझें वो अपने आप को किसी भी वबस्तगी को अपने आप के लिए दुरुस्त ना समझें जो वस्तगी उन्हें सुन्नत से हटाए हुए हो सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल के साथ वाबस्त किए हो सुन्नत उन्हें मालूम पड़ती हो और मालूम हो उनकी ज़िम्मेदारी यह है कि इख्तलाफ का सुन्नत से इख्तलाफ का रास्ता छोड़ करके सुन्नत अख्तियार करें इसलिए कि आपने फरमाया था कि मेरे बाद इख्तलाफ होगा और इख्तलाफ के सूरत में अलग अलग रास्तों के बन जाने की सूरत में अलग अलग मनहज और तरीक़ों के वजूद में आ जाने की सूरत में लाजिम है मेरी उम्मत पर कि वो मेरा मनहज और मेरे सहाबा का मनहज अख्तियार करें आप सलील वसम ने जो मनहज दिया है मेरे भाइयों वो यही है कि जिस मसले में भी उम्मत इख्तलाफ़ देखती हो उस मसले में नबी सली वम की सुनत की पैरवी करे जब सुन्नत की पैरवी करेगी तो हकीकत में नजात पाने वाली होगी दुनिया और आखरत में फलाह पाने वाली होगी और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी से सहाबा के तरीक़े से अगर हट जाएगी तो मेरे भाई दुनिया में भी तबाही आएगी और आखरत भी बर्बाद होगी आज आप देख रहे हैं कि मुसलमान इख्तलाफात में पढ़ने के बाद गरोहबंदियों का शिकार होने के बाद गुटबाजियों में पढ़ने के बाद फिरकों फिरकों और सेक्ट सेक्कट में बटने के बाद आज मुसलमानों की अपनी पोजीशन क्या है सेक्ट वाइज मसलकी बुनियादों पर मुसलमान एक दूसरे मसलक और एक दूसरे सेक्ट के खिलाफ साजिशें और उनके खिलाफ बोगज वदावत और उनके खिलाफ असद और उनके खिलाफ सारी वो चीज़ें जो गैर क्या गैर जो नहीं कर सकता उससे ज़्यादा अपनी सलाहियत और अष्टता से वो नुकसान पहुँचाने की कोशिशें कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने का मकसद यही था कि मुसलमान अगर जमाती ज़िंदगी यानि सुन्नत की ज़िंदगी सहाबा की जमात पर चलने वाली ज़िंदगी बनाएगा अपनाएगा तो उसे दुनिया में क़ुव्वत हासिल होगी वो दुनिया में नुकसान से अपने आप को बचाएगा और उसके वो शौकत हासिल होगी सादत और इज़्ज़त हासिल होगी और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे नजात अता फ़रमाएंगे मेरे भाइयों ये हमारी ये हमारी रहनुमाई की ये वाजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है अगर मुसलमान इससे गाफ़िल है ये जानने के बाद भी कि हमारे इख्तलाफा की निशानदी अल्लाह के नबी ने फ़रमाई थी और उसका इलाज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था आज आदमी इख्तलाफ की बातें करता है लेकिन ये बातें नहीं करता कि इख्तलाफ तो हुआ इख्लाफ तो हो गया अब इख्तलाफा को ख़त्म नहीं किया जा सकता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हिदायत का मकसद ये था कि हवा व हवीस से ख़्वाहिशा पसंदी से दुनिया परस्ती के लालच में जो लोग इख्तलाफ करेंगे या लाइलि में जो लोग इख्तलाफ करेंगे आने के बाद उन्हें इख्तलाफ़ का रास्ता छोड़ देना चाहिए हवा और हविस का रास्ता छोड़ देना चाहिए और तरीक़ा उन्हें इख्तलाफ़ से बचने का अल्लाह के नबी ने यह बताया कि सुन्नत अपना लो मेरे भाइयों सुन्नत अपना लो सहाबा का जो तरीक़ा था वो तर, तरीक़ा अपना लो सहाबा के तरीक़े की मिसाल देने का मतलब ये नहीं था कि सहाबा का कोई और तरीक़ा होगा ऐसा नहीं मतलब था आपके बताने का मकतलब ये था कि मेरा जो तरीक़ा है उसी तरीके को साहबा एक समाज और माशरे में और एक जमात की हैसियत से लेकर के चलने वाले होंगे और जिस तरह साहबा ने पूरी जमात में और पूरे माशरे में मेरी सुन्नत को लेकर के चला है चलाया है ऐसे तुम भी चलाओ ये माना नहीं है कि सहाबा की कोई और सुन्नत होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके से हट करके तुम उस सुन्नत को अपना लेना सहाबा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट करके कोई सुन्नत कैसे अख्तियार करने वाले थे उसका मफहम यह है मेरे भाइयों कि जिस तरह साहबा ने मेरी सुन्नत अपना ली ऐसे तुम मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा के तरीके को अपना लेना यह माना है और यही माना मेरे भाइयों यही माना हम सबको अच्छी तरह समझना चाहिए और यह जानने के बाद सहाबा के साथ हमारे इस इखलास के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत आपके एक एक मनहज और तरीके के पैरोकार थे इस बात की गुंजाइश हमारे यहाँ कहाँ बाकी रह जाती है कि साहबा नबी वसल्लम की सुन्नत से हट करके कोई सुन्नत पैदा करने वाले थे और उनके ताल्लुक से हिदायत दी जा रही है कि उनकी सुन्नतों की पैरवी करना मकसद ये था मेरे भाइयों कि साहबा ने जो जिस तरह हमारी पैरवी की हमारी सुनत और तरीक़े को समझा हमारी हिदायत और तरबियत में रहे उन्ही के तरीक़े पर तुम भी चलना साहबा का तरीक़ा हम सब के सामने बहुत सारी मिसालों से वाज किया जाता रहता है और वाजह है मेरे भाइयों की साहबा का तरीक़ा एक एक सुन्नत की तलाश एक एक सुन्नत की तलाश थी ख़ास तौर पर जब इल्म ना हो खास तौर पर जब रायों का इख्तलाफ हो जाता था तो जब रायों का इख्तलाफ हो जाता था सुन्नत का इल्म नहीं होता था उस वक्त साहबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तलाश करते थे हकीकत में हमारी ज़िम्मेदारी यह है सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है मख्तलि मसलकों और सेक्ट में बटे हुए कलमागो भाइयों की ज़िम्मेदारी यह है कि जितने मसाइल में वो आपस में इख्तलाफ़ के नाते बटे हुए हैं गरोह दर गरोह बने हुए हैं उनकी ज़िम्मेदारी यह है हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि सुन्नतों को तलाश करें उन मसाइल में जिन मसाइल में वो इख्तलाफ़ करते हैं और वह सुनतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अपने तरीक़े को दुरुस्त कर लें हमारी कोशिशें होनी चाहिए मेरे भाइयों कि हम इस अमल को और इस मिशन को अपनी पूरी सलाहियतों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि लोग इस बात को अच्छी तरह समझें अल्लाह का फजल है अभी आपने सुना अपने फ़ाज़िल अपने मज्ज़ दाई और आलिम मौलाना अब्दुलमोई साहब मदनी हफ़जल्ला से कि मुख्तलिफजाद की कोशिशें ख़ास तौर पर गल्फ़ और खलीज की कोशिशों से और यहाँ भी जो भी अल्लाह तौफ़ी दे रहा है बहुत सारी कोताहीियों के बावजूद अतराफ़ कोताहीियों का करते हुए भी जो कुछ कोशिशें हो रही हैं अलहदुल्ला बहुत कुछ बहुत कुछ लोग सुन रहे हैं अभी हाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये फीत वाले कंपाउंड पर ये कुरला में स्टेशन से लग करके जो इलाका है वहाँ एक इजलास वहाँ सालाना इजलास कुछ अहबाब और नौजवान मस्जिद के ज़ेर इशराफ करते हैं वहाँ एक बहुत अहम बहुत अहम जमाती और वो जमाती घराना जो उस इलाके में जमाती यानी तबलीगी मेहनतों में क़्यादत करता है और वो ज़िम्मेदाराना रोल करता है उसमें एक बुनियादी आदमी ने एक रोज़ फ़ोन किया कहा इजलास में मैं शरीक था मैंने जो कुछ सुना अगरचे ज़ाहरी तौर पर हमारे ख़िलाफ़ बातें लगी लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपको ये बताने के लिए अपने तय फ़ोन करके आपको ये बताता हूँ कि मैं उन सारी बातों से इत्तेफ़ाक रखता हूँ जो आपके स्टेज और अहले और अहले हदीस स्टेज से हाँ जो बातें कही गई हैं भले कुछ लबोलहजा हमें नहीं बाज पसंद आया लेकिन ये कि जो बातें कही गई हैं दुरुस्त हैं मेरे भाइयों बातें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ये बातें कहें आज जो लोग इस फ़िक्र में लगे हुए हैं कि हमारी आवाम हमारी जमात हमारे मसलक के लोग सलफ़ी वाममा की अहल हदीस वलमा की किताबो सुन्नत के एक्सपर्ट वमा की बातें सुन ना सकें उनकी कोशिश सिर्फ़ इसीलिए है कि अगर वो किताब व सुन्नत की बातें सुनेंगे तो हमारी सारी की सारी ढेर सारी जो दलीलें हैं उन दलीलों का कोई वज़न उनके दिलो दिमाग में बाकी नहीं रहेगा मेरे भाइयों आप बताओ कि जो लोग शख्सियतों और इख्तलाफी मसाइल में उलझ करके अलग अलग बंदियों के शिकार हैं आप बताइए अगर उनके सामने अल्लाह के नबी सली वसलम की वसीयत पहुँचती हो कि आपने ये फरमाया है कि मेरे बाद बहुत सारे इख्तलाफ़ पैदा हो जाएंगे और तुम देखोगे खबरदार जब इख्तलाफ देखना तो तुम मेरी सुन्नत को अख्तियार करना सुन्नत पकड़ करके सुन्नत के ख़िलाफ़ का रास्ता तर्क कर देना आप बताओ सुन्नत के ख़िलाफ़ जो रास्ता है उसे तर्क कर देने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है अब वो सुन्नत के ख़िलाफ़ जो भी रास्ता हो जिस तरफ से भी आया हो मेरे भाइयों कितनी बड़ी बात है और आप बताओ कि इस इसके सुनने के बाद अगर दिल में सादत है आदमी का शोर पुख्ता है अपने दीन में आदमी मुखलिस है इस्लाम में सच्चा है इस्लाम आसमानी मानता है प्यारे रसूल को उस्वा मानता है प्यारे नबी की एक एक सुन्नत की पैरवी को वो दीन दुनिया और आख़रत में नजात का ज़रिया मानता है उसके सामने ढेर सारे बुज़ुर्गों के हवालों की बातें मसलक के हवालों की बातें अपने रिवायती तसलसल की बातें क्या कुछ काम आ सकती है? नहीं काम आ सकती हैं क्यों प्यारे नबी की बात जब आदमी सुनता है कि प्यारे नबी ने फरमाया है कि मेरे बात तुम बहुत जल्द इख्तलाफ देखोगे और जब इख्तलाफ़ देखना फालई कुंभ सुन्नति फ़ालकुम बेसुनती तो तुम पर फ़र्ज़ है कि मेरी सुन्नत पर चलना मेरी सुन्नत ढूंढ करके उसको अख्तियार कर लेना सुन्नत से हट करके जो चीज़ है उसको छोड़ देना इख्तलाफ इख्तलाफ मजमूम कौन सा है जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो सुन्नत के मुकाबिल में हो सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई रास्ता आदमी अख्तियार करे जाहिर सी बात है कि वह तबाही की चीज़ है इसीलिए नबी सली वसलम ने जिसे फितना करार दिया था फितना कि मुसलमानों में ये फितना है फितना और ये मुसलमानों में कन्फ्यूज़न और कश्मकश पैदा करने वाला है मुसलमानों को मुतजलजल कर देने वाला है बुखारी की मशहूर हदीस है हज़रतज़ा इबन ई ईमान की बहुत मशहूर हदीस है आपने बारहा सुनी आपने बारह सुनी होगी वो हदीस जिसमें वो बयान करते हैं कि लोग लोक यानी आम सहाबा नबी सलील वसम से खैर के बारे में पूछते थे खैर और मेरा तरीक़ा ये था कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में पूछता था यानी लोग अच्छी और भलाई की बात पूछते थे मेरा तरीक़ा ये था कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पाता मौका तो पूछता शर शर क्या है शर वो कहते हैं कि शर के बारे में मैं इसलिए पूछता था ताकि मुझे शर बता दिया जाए और मैं बच जाऊं आज लोग इसको बहुत सारे लोग सियासी अंदाज़ के और बहुत शोशल अंदाज के लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सामने अगर शिरकियात के शर बिदात के शर फिरका परस्तियों के शर गुरुबाजियों के शर और इस तरह के दूसरे बुराइयों की निशानदिया दहियाँ जब होती हैं तो कहते हैं नहीं नहीं ये सारी चीज़ें बात करने की नहीं है इससे इख्तलाफ फैलता है वहाँ देखिए नुक्ते नज़र यह है कि अगर हम शर जानेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे इसीलिए मेरे भाइयों ये ज़रूरी है कि शर की निशानदेही हो जितने शर्कियात समाज में पाए जाते हैं उनको नामजद बताया जाए जितने बिदात पाए जाते हैं उनको नामजद बताया जाए अगर नामजद नहीं बताया जाएगा तो आम लोग उनको बहसीत शर जान नहीं सकेंगे आप जानते हैं अच्छी तरह बहुत सारे लोग कब्रों का जाके सजदा करते हैं बहुत सारे हमारे भाई किसी इमाम की तकलीद करते हैं क्या समझ करके करते हैं खैर समझ करके करते हैं इनको जब तक पूरी क़वत और दलाइल के साथ और पूरी सराहतों के साथ जिम्मेदाराना ढल ढंग से और वसूली और दर्दमंदी की बुनियादों पर दावती तकाज़ों के साथ अगर इन्हें बताया नहीं जाएगा तो कब्रों का सजदा करने वाला कब्रों पर गिलाफ़ चढ़ाने वाला कब्रों का तवाफ़ करने वाला मुर्दों से मुरादे मांगने वाला ये कोई शर समझ के काम करता है शर समझ के काम नहीं करता मेरे भाइयों उनका नुक़ः नज़र ये था आज हमारा भी नुक़ः नज़र ये होना चाहिए कि जिन चीज़ों को हम शर जानते हैं उसे बताना ज़रूरी है इसलिए कि जब तक बताएंगे नहीं तब तक लोग शर को जान नहीं सकेंगे इसलिए मनहज में एक बुनियादी तकाजा हमारे ऊपर ये भी बनता है हम अहले इल्म पर हम तलबा पर हमारे अहले इल्म पर आप बड़ों और आप समाज और जमातों के ज़िम्मेदारों पर कि सिलसिले में अपनी कोशिशें अल्लाह ताला की तौफीक मांग करके और हर खैर शर अल्लाह ताला के हाथ में है नफा और ज़र्र की सोच से जाहिरी बुलंद होकर के कोशिशें करनी चाहिए ताकि शर जो हैं वो समाज को शर की मालूमात पहुँचे जैसे खैर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं मेरे भाइयों समाज में ये एक बहुत बड़ा मसला है आप इसे जान लीजिए कि भलाई और मारूफ की बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन मुनकरात की बातें नहीं होती मुनकरात की बातें ना होने की वजह से मुनकरात को नामजद ना करने की वजह से आम तबका जो है जो अहले इल्म से दूर है इसी तरह वास्त, उनके वास्ते और रबित कम हैं फिर उनके ख़िलाफ़ उन्हें रोक रखने के लिए मुस्तकिल कोशिशें जारी हैं ये जानते नहीं मेरे भाइयों इन्हें बताना ज़रूरी है इसलिए जहाँ जिनके पास जो वसायल हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए देखिए हुज़ैफ़ा इब्ने अमान रज़ी कहते हैं मैं शर के बारे में पूछा करता था क्या मकसद था मेरा आप कहते हैं मेरा मकसद ये था कि शर कहीं मुझे लग ना जाए मैं अपने आप को शर से बचा लूँ ये देखे हुए उनका तरीक़ा था अब वो पूछते हैं कि या रसूल अलैहि वसल्लम हम जाहिलियत में मुबला थे हम शर में मुबला थे देखिए शर कहा जाहिलियत कहा इस्लाम से पहले की ज़िंदगी जो हर तरह की फसाद की ज़िंदगी थी अमल में आम तौर पर तो मेरे भाइयों वो कहते हैं कि हम जाहलीत और शर में मबला थे अल्लाह ताला ने ये खैर हमें अता यानी ये इस्लाम अता फ़रमाया और ये 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 भलाई जो अल्लाह ताला ने अ फ़रमाई है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इसके बाद भी कोई शर है आपने फरमाया हाँ उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या उसके बाद भी कोई खैर है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ खैर तो है लेकिन उसमें दखन होगा गौर से सुनिए मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खैर होगा उसमें दखन होगा यानी इस्लाम होगा दीन होगा बहुत सारी मनहज की चीज़ें होंगी लेकिन उसके अंदर क्या होगी मिलावट होगी सूरत हाल अल इल्म कहते हैं दखन ये दुकान से है इससे मुराद ये है कि सूरत हाल साफ़ शफाफ और क्लियर नहीं होगी धुआं धुआं जैसा माहौल होगा आप देखिए आम मुसलमानों के सामने अगर आप कोई भी बात करें तो कहेंगे कि नहीं हमारी समझ में ये बात नहीं आती हमारी समझ में बात नहीं आती का काम है आप बताइए सीधा साधा मनाज लोगों की समझ में नहीं आता सीधा साधा अकीदा लोगों की समझ में नहीं आता वाजह चीज़ें जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने हर खास वाम के लिए फरमाया था कि मैं जो तरीक़ा लेके आया हूँ ये बहुत वाज है और रोशन है इसका दिन तो दिन इसकी रातें भी ऐसे ही रोशन है आप बताइए हम सूरत हाल क्या है आम मुसलमानों की सूरत हाल अगर मुल्की सतह पर और किसी भी सतह पर चले जाइए आम मुसलमानों के हालात ऐसे हैं कि आम मुसलमान मसल की जो तफरीक हैं मसल की जो डिफरेंसेज हैं और उनकी बुनियाद पर जो सूरत हाल कन्फ्यूज़न की बनी हुई है मुसलमान आम तौर पर नहीं समझता कि इसमें सही सूरत हाल क्या है देखिए इस्लाम मौजूद है सुन्नतें बहुत सारी मौजूद हैं सहाबा के बहुत सारे तरीक़े मौजूद हैं बहुत सारा खैर मौजूद है लेकिन उसके साथ दखन की बुनियाद पर यानी सूरत हाल क्लियर नहीं है शाफ़ नहीं है जैसे मौसम हो खुला हुआ और बीच में धुआं-धुआं धुआ हो आप देखिए मंजर साफ़ सुथरा नहीं होगा अल्लाह के नबी के बताने का मतलब ये था कि एक खैर जिसके साथ दखन लगा होगा ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और आपने खुद निशानदेही फरमाई कि यह दखन क्या है आपने वाजे किया पूछे जाने के बाद साहबा ने पूछा दखन क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर होगा उसके साथ दखन लगा होगा आपने फरमाया कि मेरी सुन्नत छोड़ करके मेरी सुन्नत के अलावा किसी चीज़ को सुन्नत बनाया जाएगा मेरी सुन्नत के अलावा दूसरों की सुन्नतों को अपनाया जाएगा और मेरा जो तरीका है वो तरीका छोड़ करके दूसरों का तरीका अख्तियार किया जाएगा आप बताइए आज आज अगर देखिए कितनी वजाहत के साथ अल्लाह के नबी ने यह बात बताई है आदमी अगर अपना मनाज और नुक़ः नजर समझता हो दीन का सही तरीका समझता हो तो उसके लिए ये बात कितनी आसानी के साथ समझने वाली है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो खैर जिसमें दखन होगा और वो दखन जो है ये है कि आदमी मेरी सुन्नत छोड़ करके गैर सुन्नत पर अमल करेगा यानी मिलावट वाला तरीक़ा होगा उसके पास मेरा तरीका छोड़ करके दूसरा तरीक़ा अख्तियार किया होगा आप बताइए कितनी बड़ी जुरात की बात है इस्लाम में कि आदमी कहता हो कि मेरा मसलक मसल के है मेरा मसलक मसल के हन्फी है मेरा मसलक मसल के बरेलवी है मेरा मसलक मसल के देवबंद है उसे ये कहते हुए नहीं आप सुनेंगे कि मेरा मसलक मसल के रसूल अलैहि वसल्लम है मेरा मसलक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में चलने वाले सहाबा का मसलक सलफ है यानी मसलक के सहाबा है यही हदी है मेरे भाइयों, आप गौर करेंगे ये हदी जो है जो जिसमें निशानदेही की जा रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आज देखिए कितना तासब है कितनी असबियत है लोगों को आज मसल के आला हजरत चलता है मसल के देवबंद चलता है मसल के फल चलता है मसलक फला चलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे में जो खुतब हाजा है आपका और जिसे साहबा कुरान की आयत की तरह याद करते थे उसमें अल्लाह के नबी फरमाते थे कि सबसे बेहतर तरीक़ा सबसे बेहतर हादी और मसलक़ और मनहज मेरा है आप फरमाते थे आप देखिए आज आदमी ये इसमें किसी का इनकार है क्या कोई इनकार करता है किसी इमाम की अजमत का और उनकी जलालत शान का किसी आलिम का किसी बुज़ुर्ग का इस्लाम में तो किसी आम मुसलमान मर्द हो या औरत हो छोटा हो या बड़ा हो कितना भी छोटे दर्जे का हो उसकी यानत जायज़ नहीं है उसकी तोहन जायज़ नहीं है क्या अगर हम मसलक रसूल हद रसूल तरीक़ रसूल और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की तरबियत में और आपकी तयन के साथ हिदायत के बाद कि मेरे सहाबा का तरीक़ा जो मेरा ही तरीक़ा फॉलो करने वाला है जो जमात फॉलो कर रही है उनके तरीक़े पर चलो उनकी नस्बत को आज लोग चोर मचाए शोर की तरह उनके मसलक और तरीक़े को भी ग्रोहबंदी कहने लगे जो लोग लो ग्रोहबंदियों में मुफ्तला हैं शख्सियतों के नाम पर शहरों के नाम पर मसाइल के नाम पर यशूज़ के नाम पर उन्होंने अपने तहफ़ के लिए अपने मसलक को एक तरह से लीगलाइज करने के लिए क्या करते हैं इस कोशिश में मुफ्तला है कि सहाबा के मसलक को भी कहा जाए फिरका बंदी है ये भी बंदी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हिदायत के बावजूद भी आदमी इतनी जुरात करता है मेरे भाइयों जो उनका तरीक़ा था वो अल्लाह ताला की तरफ से उनका तरीक़ा उसूली है उनका तरीक़ा मेरे भाइयों शरा है और उनका तरीक़ा वही था आप डीप में जाएंगे जितनी दिलचस्पी आप लेंगे और आपके पास जितनी मालूम होगी उतना ही आपको रोशनी हासिल हो जाएगी बसीरत में आप आ जाएंगे कि साहब कराम का वही तरीक़ा था जो नबी अलैहि वसम का तरीक़ा था आप जानते हैं लोग हजरत उम्रबन ख़तब रजी अल्लाह अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में कहते हैं बाद मसायल की तरफ नस्बत करते हुए मेरे भाइयों उन मसायल की तफसी की बात नहीं है ना गुंजाइश है लेकिन देखिए एक मौके पर उनके सामने एक मसला आया मसला मसला ये था बज गया उनका मसला ये था एक मसला आया तो क्या उन्होंने कहा उन्होंने फरमाया कि सबसे बेहतर तरीक़ा वो है कौन सा तरीक़ा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उनकी एक राय थी कि काबा में जो ख़जाना है इसे ज़रूरत पर तकसीम कर दिया जाए इस्तेमाल कर लिया जाए तो उन्हें याद दहानी कराई गई कि जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफ़ा हज़रत अबू बकर ने किया, रजी नहीं किया वो आप कैसे करेंगे तो आपने फ़रमाया सबसे बेहतर तरीक़ा वह है जो आपका था आपका तरीक़ा ये था कि आपके सामने जब मसले आते थे और उनका इल्म नहीं होता था तो सहाबे कराम में ऐलान करवाते थे पता लगवाते थे अपने सोर्स और जराए को इस्तेमाल करते थे कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका कोई फैसला मौजूद है कि नहीं है मेरे भाइयों यही तरीका था उनका और यही तरीका हम सबको अख्तियार करने की ज़रूरत है तो अर्ज़ यह कर रहा था कि देखिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया दखन जो होगा सारे मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि खैर होगा लेकिन खैर में दखन होगा यानी उसका वाजह सा मतलब यह है कि मिलावट होगी खालिश नहीं होगा खालिश नहीं होगा मौसम जैसे आपको बताया ना कि अगर धुआं उठाए तो दिन हो धूप निकली हो सूरज चमकता हो तो धुआं के उठने के बाद मौसम क्या हो जाएगा मौसम जो है वो धुआं धुआं हो जाएगा ख़ालिश और साफ़ सुथरा नहीं रहेगा मंज़र जो है क्लियर नहीं रहेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खैर तो होगा लेकिन उसमें दखन होगा और मिलावट होगी उसकी वजह से सूरत हाल क्या होगी आप अपनी खुली आँखों से देख लो खुले दिलो दिमाग से देख तो लो कि आज जो सूरत हाल मुसलमानों में इस्लाम की मौजूदगी की है क्या यही नहीं है यानी मुसलमान आम तौर पर खुद नहीं समझता कि सही सूरत हाल क्या है आदमी यही नहीं जानता वो इस कंफ्यूजन में मुबतला रहता है कि पता नहीं सही क्या है गलत क्या है पता नहीं हदीसियत सही है सलफियत सही है कि शाफ़ियत सही है बताइए अगर यही यही उलझन हो तो ये भी दखन है ये भी दखन मैं समझता हूँ आलम इसलिए कि अगर आदमी शाफियत को और एक शख्सियत की तकलीद को खैर होते हुए अगर आदमी यह समझता हो कि हो सकता है ये बेहतर हो, हो यहाँ भी बेहतरी है और वहाँ भी बेहतरी है हो सकता है उससे बेहतर ये हो या आदमी कन्फ्यूजन में मुबला हो तो कन्फ्यूजन में अगर मुबतला हुआ तो दखन का शिकार हो गया खैर है उसके पास दखन है आप बताइए इमाम शाफी इमाम शाफी अलैह का एक जुमला है जिसे आपने सुना होगा कि इमाम शाफी रहमत कहते थे कि हदीस क्या फरमाते थे हदीस हर ज़माने में ऐसे ही हैं जैसे साहबा अपने ज़माने में थे और आप जानते हैं कि इमाम शाफी रहमत ने किस तरह तकलीद से मना किया और किस तरह जिहाद किया सुन्नत के लिए राय के खिलाफ फितनों के खिलाफ जो सुन्नत के खिलाफ उठते थे और कितनी सराहत के साथ उन्होंने कहा कि इजमा है अहिल इल्म का और पूरी उम्मत का कि नबी की सुन्नत आ जाने के बाद किसी की बात नहीं ली जाएगी नबी की सुन्नत वाज़े हो जाए मालूम हो जाए उसके बाद किसी की बात नहीं ली जाएगी इमाम शाफी रहमत आहल इल्म का इजमा नकल फरमाया है आप बताओ इसके बावजूद इमाम शाफी रमतल की तरफ नस्बत करते हुए आदमी अगर ये सोचता हो कि नहीं ये हमारी नस्बत और ये हमारा मसलक ये दुरुस्त है ये सारी शख्सियतों की तरफ मसलकों की नस्बत मैं समझता हूँ कि दखन की सूरत हाल पैदा करके आदमी को कन्फ्यूज़न में डाल देती है क्यों ये सारी बातें करें और जबकि ये जानता हो आदमी कि ये सारे के सारे जो मसाइल हैं और ये सारे की जा सारी जो शक्लें हैं यहाँ इख्तलाफात मौजूद हैं और उन इख्लाफात के सिलसिले में वो नबी की हिदायत ना सुनता हो ना मानता हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि जब देखो तुम आपस में अपने भाइयों में इख्तलाफ तो जिन मसलों में इख्तलाफ़ देखो उसमें मेरी सुन्नत ढूंढो बताओ कौन सुन्नत ढूंढता है एक हनफी नमाज पढ़ेगा कभी भी अपने बगल में खड़े हुए अपने भाई से जमात में जो खड़ा है सफ में वो पैर नहीं मिलाएगा नहीं मिलाएगा पैर वो अपना क्यों नहीं मिलाएगा अब वो जान रहा है उसका भाई कदम करीब कर रहा है चाहता है कि उसका कदम अपने भाई के कदम से मिल जाए लेकिन वो नहीं मिलाता है क्यों नहीं मिलाता है आप बताइए क्यों नहीं मिलाता है वजह क्या है इसके अलावा कि वो जिस मसलक का फॉलोअर है जिस मसलक की वो पाबंदी करता है उस मसलक में वही चीज दर्ज है क्या उसके लिए और जो पैर मिलाना चाहता है उसके दोनों के लिए ये हिदायत नहीं है कि दोनों जो दो भाई हो करके एक सफ़ में नमाज में खड़े हो करके ये जो दोनों काम है इन दोनों काम में एक आदमी कदम से कदम मिलाना चाहता है अपने भाई के और दूसरा आदमी बचाना चाहता है कि कदम हमारा हमारे भाई के कदम से ना मिले क्या वजह है इसके अलावा और क्या जिम्मेदारी है मेरे भाइयों वजह यह है कि मसलक और तकलीदी रास्ते की पैरवी और दूसरी बात यह है कि आदमी सुन्नत का पैरोकार है दोनों के लिए ज़िम्मेदारी है दोनों देख लें सुन्नत क्या है क्यों अलग अलग एक ही सफ़ में कुछ लोग अप, अपने भाई के कदम से कदम मिला के खड़े हों और कुछ लोग अलग अलग खड़े हों आज़ादी है ये आज़ादी नहीं मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फ़रमाया था जिन मसलों में तुम्हारा डिफरेंस हो इख्तलाफ हो फ़र्क हो उन मसलों को तुम देखना और ये फ़र्क और इख्तलाफ बाकी नहीं रखना सुन्नत मिल जाने के बाद सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना आज मेरे भाइयों आम सूरत हाल यही है तो वो हदीस आप देखिए जिसमें यह कहा गया अल्लाह के नबी ने बताया कि वो खैर जिसके साथ दखन लगा हुआ होगा उसकी सूरत ये होगी कि मेरी सुन्नत छोड़ करके गैर सुन्नत पर अमल होगा ये गैर सुन्नत नहीं है ने लिखा है मुझे तो इतना इल्म नहीं हमारे भाई फ़ाजिल मौलाना मोहम्मद मकीम साहब हमारे अज़ीज़ फ़ाजिल मौलाना अब्दुलमौ साहब आप लोगों को ज़्यादा इल्म से वाबिस्तगी भी है मौाक़ भी मैसर हैं आप फाजिल हैं आप लोगों से आप रुजू करें तो बताएँगे अहिल ने लिखा है कि इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह हमतल से भी ये चीज़ साबित नहीं है यानी आदमी हनफी फ़ेह का पैरोकार है मुकलद है इसके बावजूद उनसे भी ये साबित नहीं है ऐसे ही जैसे तकलीद इमां से साबित नहीं है बल्कि उनका इजमा तकलीद के हुरमत पर साबित है यानी उनका इजमा है सारे इमामों का जिनकी तकलीद सारी दुनिया में होती है उनका इजमा है इजमाई तौर पर उन्होंने मना किया है और हराम करार दिया है तो मेरे भाइयों यह सूरत हाल है अभी सूरत हाल में आवाम में म तौर पर मुस्लिम ममालिक की जो मुश्किल हैं मेरे भाइयों सियासी मुश्किल उनमें अहल इल्म और अहल सुन्नत की कोशिशों के सिलसिले में जो मुश्किल हैं मेरे भाइयों उनको सियासी सतह पर बहुत सारी दुनियावी और मादी मसलहतों के पेश नज़र उनकी कोशिशें ज़्यादा नुमाया नहीं हो पाती छोटे छोटे मसलों को सिर्फ इसलिए कि ये इख्तलाफ़ का सबब न बन जाए रोका जाता है हालांकि, खैर इसमें है कि छोटे छोटे मसले जो सुन्नत के खिलाफ फैले हुए हैं सुन्नत को छोड़ करके जो फैले हुए हैं उनको जब आम किया जाएगा तो लोग सुन्नत पर आएंगे और जितना सी सुन्नत पर लोग आएंगे उतना ही इख्तलाफ कम होगा ये मेरे भाई सोच है ये सोच है लोगों की अल्लाह तीस समझ समझता फ़रमाए ये सोच है लोगों की <coughs> यह सोच है बड़ों की और यह सियासत की आम तौर पर मेरे भाइयों हकीकत यह है कि सुन्नत को छोड़ने से इख्लाफ पैदा होता है सुन्नत के तर्क करने से फितने आते हैं जैसा कि अल्लाह तरमाया वो मैं रसूल इम्बाद माँ तबैया व तब गई रबीमिन नही माँ तबल्ला नस्लही जहन्न मौसात मसीरा अल्लाह ताला ने फरमाया सुन्नत मालूम हो जाने के बाद खुल कर हो करके सुन्नत आ जाने के बाद अगर आदमी सुन्नत की मुखालफत करेगा तो फितनों में पड़ जाएगा मुसलमानों का इख्तलाफ ये बहुत बड़ा फितना है ये सुन्नत के तर्क और नबी सली वसम के मनहज और तरीक़े के छोड़ने से और ज़्यादा ये फितना बढ़ रहा है मेरे भाइयों और बढ़ता रहेगा जितना ही उम्मत सुन पर आएगी उतना ही अख्तिलाफ़ और फितने कम होंगे तो मैं मैार ये कर रहा था कि देखिए सारे मुसलमानों को नबी अलैहि वसल्लम की पेशींद गोई पर चौको ना होना चाहिए जो पेशीन गोई हमारे बीच में जाहिर है और आम तौर पर फैली हुई है कि आपने फरमाया था कि खैर तो होगा लेकिन दखन लगा हुआ होगा और वह दखन ये होगा कि नबी अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बजाय गैर सुन्नत पर अमल होता होगा नबी के हादी और तरीक़े के बजाय आपके तरीक़े के बजाय दूसरे तरीक़ों को आम किया जाता होगा आप बताइए किस तरह आज तो मसलकों के नाम पर मसलकों के नाम पर कितनी कोशिशें हो रही हैं बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं मेरे भाइयों जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको वजीफ़े की तरह सिखाते थे वो वजीफ़ा की तरह से पढ़ते थे सबसे बेहतर तरीक़ा सबसे बेहतर मसलक मसल रसूल सल्ला वसलम है इसलिए मेरे भाइयों हर मुसलमान को इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होना चाहिए देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया था कि ये दखन मुसलमानों के लिए ख़तरनाक होगा मुसलमान अपने आप को देखे इसमें कि किस तरह इस सूरत हाल में वो मुब्तला है और एक और बात मेरे भाइयों वो ये कि मुसलमानों पर आज हालात दुनिया में दुनियावी एतबार से जिस तरह के हैं फैले हुए हैं मेरे भाइयों इसमें मुनाफिसत है इसमें हसद है इसमें एक मुसलमान की तरफ़ से दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ साजिशें हैं और दिलों में नफ़रतें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तालीम और हदायत दी थी कि देखो खबरदार ये चीज़ें तुम्हारे अंदर ना आएँ और ये चीज़ें आती हैं दुनिया के रास्ते से मुस्लिम की रवायत है हज़रत अब्दुल्ल इबिनब्यास रज़ील्ल्ल बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्हसम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर रूम को और फारस को फ़तेह कर दिया जाएगा तुम्हारे लिए इनके दरवाज़े खुल जाएँगे इनकी दौलत और इनकी सतवत तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त पूछा कि तुम्हारा बहसीियत कौम क्या तरीक़ा होगा हज़रत इब्ने ने अब्दुलरहमान ने ओ फरमाते हैं कि मैंने कहा वही हम कहेंगे वही हम करेंगे जो अल्लाह ताला ने हमें फ़रमाया है जो हिदायत अल्लाह ताला ने दी है हमें यानी हम अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया आ जाने के बाद उसके शुक्रगुजार होंगे शुक्रगुजार होंगे उसके हम ये करेंगे या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपने उस मौके पर फरमाया था नहीं तुम्हारे अंदर रोग आ जाएंगे बीमारियां आ जाएंगी आपने फरमाया था रोग ये होगा कि तुम्हारे अंदर और दुनिया की हिरस पैदा हो जाएगी यानी आपके बताने का मतलब यह था कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दुनिया का जब दरवाज़ा खोले तो तुम खबरदार अपने आप को बचाना कि तुम और दुनियादारी में धसते नहीं जाना अभी आप बुखालत के हवाले से सुन रहे थे और बहुत अच्छी वाज मिसालों और अच्छी ताबीर में आपने समझा मेरे भाइयों देखिए दुनियादारी में आदमी मुफ्तला होने के बाद किस तरह भेड़िया बन गया है अल्लाह के नबी ने फरमाया भी था कि इंसान इंसान का भेड़िया होना यह है कि आदमी दुनिया का हरीस हो जाए और अपनी हद में हिर्स करने के बजाय हिर्स का हुक्म है अल्लाह के नबी ने ख़ुद फरमाया हिरस करो अपने हद में रहते हुए नफ़ा हासिल करो अपने हद में रहते हुए लेकिन आदमी आम तौर पर हरीस दूसरों के हदूद में दाखिल हो करके हो गया है और ये चीज़ क्या है ये भेड़ियों भेड़िए जितना बकरियों के लिए ख़तरनाक है उससे ज़्यादा आदमी ख़तरनाक हो जाता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि देखो फारस और रूम तुम पर फतेह कर दिए जाएंगे तो तुम्हारा तरीक़ा ये नहीं होना चाहिए कौन सा आपने बताया कि आम तौर पर जो तरीक़ा होता है कौमों का और आपको जो पेशीनगोई अल्लाह ताला की तरफ से उसका इल्म मिला था आपने फरमाया था कि तुम और ज़्यादा और ज़्यादा तुम्हारे पास दुनिया आए दौलतें आए ममलिकतें आ जाएँ इसके लिए तुम मुनाफसत करने लगोगे और जब और दौलत आएगी तुम्हारे पास कहीं दौलत देखोगे कहीं कुवत देखोगे कहीं पावर देखोगे मनसब देखोगे तो तुम हसद में मुबतला हो जाओगे तो तुम हसद भी करने लगोगे और उसके बाद जब हसद आ जाएगा ये रोग जो दिल का है ये जब आएगा तो अमली तौर पर तुम साजिशों में लग जाओगे और साजिशों में लगोगे तो दिलों में तुम्हारे एक दूसरे के खिलाफ नफरतें और बुक्स भर जाएगी आप बताओ अल्लाह की कसम आप हम आप आम तौर पर अहले दुनिया क्या इसी के शिकार नहीं है दुनिया हमारे पास बहुत सारी आई है हम 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 इतने भाई यहाँ बैठे हैं अपने कल को देखें और आज को देखें और आज जो हमारी पोजीशन है और जो हमारे हालात हैं उन हालात में अपना तामुल देखें अपना अमल देखें हमारा अमल आमतौर पर यह है कि जितनी दुनिया है हमारे लिए बहुत कुछ है हमारे लिए बहुत काफ़ी है लेकिन इसके बावजूद सारे असूलों सारे समाज की इज्जतों छोटे बड़ों के हकूक और छोटे बड़ों के जबते और जो मसूलियतें हैं उनसे आदमी उठ करके उनकी परवाह छोड़ करके आदमी मज़ीद दुनियादारी में मुबतला है और उसके साथ साथ हसद में हसद की क्या पोजीशन है हमारा भाई कोई किसी मामले में आगे जा रहा है तो हमारे दिलों में आग जलती है कि कैसे इसकी नेमत कैसे इसकी हैसियत ख़त्म हो जाती <coughs> कैसे तबाह व बर्बाद हो जाता चाहे जैसे किसी से दुश्मनी में किसी एजेंसी के गलत फसावे में आकर के किसी और शक्ल में तबाह हो जाए आदमी आदमी सीने में ये तदबीरें करता है आप बताओ हसद करता हो आदमी तो सही अक़ीदे और मनहज पर है नहीं है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि एक दिल में ईमान और हसद दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती नहीं हो सकती अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दिल में दो चीज़ें जमा हो ईमान भी और हसद भी ये दोनों चीज़ें नहीं जमा होंगी क्यों ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है बढ़ाता है जिसको चाहता है अल्लाह ताला हद में रखता है छोटा करता है जिसको चाहता है बड़ा करता है, है जिसको चाहता है आगे अल्लाह भेजता है जिसको चाहता है पीछे करता है जब ये देखता है आदमी तो उसका ईमान ये बोलता है ये बोलना चाहिए और अल्लाह ताला के फ़ैसले को ईमान का तकाजा ये है कि आदमी माने लेकिन अगर ईमान का दावा हो और उसके बाद ये देखे कि एक आदमी के पास काफ़ी दौलत आ गई वो तो कल बड़ा गरीब था वो तो हमसे कम तालीम याफ़्ता है उसके तजर्बात कम हैं वो हमसे ज़्यादा सीनियर नहीं है हमारे तरह उसके पास डिग्रियाँ नहीं हैं तो क्या हुआ यानी अल्लाह ताला के फैसले के ऊपर ईमान रखने के बजाय उसने जो है अपने आप को हसद की बीमारी में मुबतला कर लिया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं दोनों चीज़ें एक जगह नहीं जमा होंगी तो आप फरमाते हैं दुनिया जमाएगी मेरे भाइयों हम दुनिया में जिस हद तक आगे हैं उस हद तक हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या है, रोग नहीं लगे हैं ये भी साहबा का तरीका था साहबा को सिखाया अल्लाह के नबी ने कहा देखो इससे बचना तुम दुनिया आने के बाद दुनिया तलबी ना आ जाए मजीद दुनिया तलबी के साथ तुम हसद ना एक दूसरे पर करने लगो और तुम एक दूसरे के खिलाफ साजिशें ना करने लगो कितनी साजिश करता है आदमी एक दूसरे के खिलाफ अल्लाह की तौबा और तुफो जो हमारे हालात है मेरे भाइयों हम बैठ करके के अपने भाइयों और अपने बुज़ुर्गों छोटों बड़ों के खिलाफ कितनी साजिशें करते हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम बोग्ज करने रखोगे तुम अपने सीनों में तुम कीना रखने लगोगे बुग्ज़ आज हमारे सीने आप बताओ अपने भाइयों के तरफ से अपने भाइयों के हवाले से कितनी मोहब्बत रखते हैं आप सोचो कितने भाइयों के ताल्लुक़ से हम अपने सीने में अपने दिलों में मोहब्बत रखते हैं वल्लाह आम तौर पर हम अपने छोटे बड़ों के हवाले से अपने पड़ोस और अपनी जमातों के हवाले से बुग्ज़ ज़्यादा रखते हैं कीने कपट ज़्यादा रखते हैं नफ़रतें ज़्यादा रखते हैं ये नफ़रतों की आमाज हमारे दिल बने हुए हैं ये हसद की आमादगाह ये छोटे बड़े की तमीज़ और ये जाहिलियत के आमाज बने हुए हैं अभी आपने बहुत कुछ सुना है मेरे भाइयों तो मैं ये कह रहा हूँ टटोलो टटोलो अपने दिन को देखो अपने दिल को हम सबको मैं अपने लिए भी ये नसीहत सबसे ज़्यादा समझता हूँ ज़रूरी आप सबके लिए ये नसीहत ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को नसीहत की थी आपने फरमाया था दुनिया जब तुम्हारे सामने खुल के आएगी तो तुम दुनिया के पीछे मजीद भागोगे खबरदार हद में रहना अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम दुनिया के पीछे भागोगे हसद करने लगोगे जो तुमसे आगे चला जाएगा खबरदार हसद नहीं करना जो जिस हद तक जा रहा है अल्लाह की तकदीर से जा रहा है और अल्लाह के नबी ने फरमाया साजिशें मत करना अपने भाइयों के खिलाफ उनकी जड़ें मत काटने की कोशिश करना इसलिए कि मोमिन जड़ें नहीं काटता मोमिन अपने भाइयों की जड़ों को मजबूत करने वाला होता है मेरे भाइयों हमारा यह तरीक़ा होना चाहिए और इसी तरह हमारा यह तरीका होना चाहिए कि हम अपने भाइयों के ताल्लुक से दिलों में रखे रखें अपने भाइयों के ताल्लुक़ से दिलों में वसात रखें अपने भाइयों के ताल्लुक से दिलों में रखे रखें छोटे बड़ों के अतबार से इजलाल और और एहतराम और शफकत के जज्बे और उन उनके हौसले रखें मेरे भाइयों ये हमारा तरीक़ा है और हमें इसे चेक करना है हमें इसे चेक करना है मैं आखिरी कलिमात के तौर पर यह बात कहता हूँ कि हम सारे लोगों को यह चेक करना चाहिए कि हमारे दिलों में हमारे अपने भाइयों के तालुक से मोहब्बतें कितनी है नफ़रतें कितनी जमा अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ कि आम तौर पर हमारे दिलों में आम अपने भाइयों छोटों बड़ों के तल्ल से नफरतें शिकायतें हसाद और यह सारी चीज़ें हमारे दिलों में जमा हमें इसे अपने दिलों को पाक करना चाहिए इसलिए कि देखो साहबा का मनहज हमारा मनहज है माहरीन बयान करते हैं कि बड़े पाक दिल थे साहबा बड़े साफ़ सुथरे दिल के थे साहबा हमारे दिलों को भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए अपने भाइयों के ताल्लुक़ से और अपने भाइयों में जहाँ कहीं कमी देखें उनके हसबे मरातब उनकी हैसियत को मलहूज रखते हुए उन्हें हम बताएं उनकी इज्जतों को मलहूज रखती हुई जैसे हमें अदब सिखाया गया कि एक इमाम के पीछे हम जब नमाज पढ़ते हैं जब हम एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और हमारा इमाम गलती करता है तो क्या कहते हैं लुकमा देते हुए क्या कहते हैं सुबहान अल्लाह कहते हैं क्यों सुबहान अल्लाह कहते हैं इससे मेरे भाइयों अपने इमाम का एहतराम मलहूज हो जाता है और एक चीज़ एक अकीदे के तौर पर हमारे दिलो दिमाग में ये चीज़ आती है और और रिपीट होती है मुकर होती है कि हमारा इमाम मासूम नहीं है इसमत वाली ज़ात अल्लाह ताला ती या जिसे अल्लाह ताला ने मासूम बनाया नहीं उसके अम्बिया हमारा इमाम मासूम नहीं है लेकिन एहतराम क्या कहा जाता है सुबहानल्ला यानि अल्लाह की ज़ात गलतियों से पाक है यानी बता रहा है एक मख्तिय अपने इमाम को कि आपसे खता हो रही है यह नहीं कहता है तुमने गलती की दुरुस्त करो अपनी गलती को मेरे भाइयों हमारा एक स्टैंडर्ड दिखा है हमारा एक क्वालिटी है हमारा एक तरीक़ा है मेरे भाइयों हमें उसी तरह चलना चाहिए जब हम अपने यहाँ के फ़रक़ मरातब को ख़त्म करते हैं एहतराम को ख़त्म करते हैं और एक दूसरे की हैसियतों को जब हम तबाह बर्बाद करते हैं और शौकत बड़ों की जब ख़त्म होती है तो आप क्या समझते हैं हर बाद में आने वाला बड़ा होगा तो वो भी ढूंढेगा वही शौकत तो उसे वो शौकत हासिल कैसे होगी जिस शौकत के और जिस अजमत और दबदबे के सारे सिलसिलों को दफन और और तबाह कर दिया गया है इसलिए मेरे भाइयों इन सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आलमीन हम सबको सही समझ आता फरमाए आलमीन इस इज्तम को जिसको हमारे इस बस्ती के नौजवानों ने और शुभ दावत व तबलीग के ज़िम्मेदारान ने अपनी जमात के ताउन से मुनाकिद किया है रब्बुल सब की कोशिशों में अता फ़रमाए और उनके आमाल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए जो लोग भी जो हमारे अहले इल्म फ़ज़ला और दुआत इस प्रोग्राम में शरीक है आलमीन उनकी कोशिशों में उनके इल्म में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए आलमीन हम कोताहों को, ताहों को अपनी कोताहियों को दूर करने की तोफ़ीकता फरमा और हमारे अंदर असलाह की तोफ़ीकता फरमा और अपनी रहमत खास से हम सब की छोटों बड़ों की तो इसह फरमा मर्दों औरतों और और की असलाह फरमा अल्लाह ताला जब तक हम ज़िंदा रहें तेरे नबी के तरीक़े और तेरे सहाबा के तरीक़े पर ज़िंदा रहें और उसी तरीक़े को आम करने की और उसी मनहज को फैलाने की अल्लाह ताली हमें तोफ़ी तता फरमा उसके लिए हमारे हाथों को तो अपनी रहमत खात से मजबूत फरमा दे और हमें हमारे इलमे में बर का ततः फरमा दे और जमात को अल्लाह ताला हर तरह के इंतशार से हर तरह के शकाक और गुटबंदियों से अल्लाह ताला तो महफूज फरमा दे हमारी जो भी कोताहियाँ इस राह में अल्लाह ताला हायल हो रही हों बुनियाद बन रही हों हमारी कोताहियों हो को अपनी रहमत खास से तो दूर फरमा दे व आखर ववानवाना अनिल्बिला